राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। ये ठीक नहीं रहा, योग से गिरा, इसलिए अप्राप्य योग संसिद्धिम, उसको योग की सिद्धि नहीं मिली। एक एक अक्षर समझो, जब सिद्धि नहीं मिली तो उसकी क्या गति होगी, ये प्रश्न है अर्जुन ने पूछा। एक एक अक्षर ध्यान से पढ़ना, कहीं ऐसा तो नहीं हूं कि वो गिर गया तो सदा के लिए नष्ट हो गया। इतने दिन भजन किया और आखिर में जाकर गिर पड़ा तो कच्चिन नो भय विभ्रष्ट। कच्चित माने क्या, उभय विभ्रष्ट, उभय माने वेद धर्म लोक धर्म छोड़ा, घर छोड़ा, साधु बना था, भजन किया था और यहां भी आकर के भोग में गिर गया, उसको क्या कहते हैं, उभय भ्रष्ट। उभय माने दोनों तरफ से गया। जब दोनों तरफ से गिर गया तो फिर नष्ट हो जाएगा। छिन्नाभ्रम माने बादल जैसे कैसे नष्ट होता है, जो सावन का बादल है वो नष्ट नहीं होता, उसकी घटाएं एक साथ रहती हैं। और जब हवा उन बादलों को तोड़ देती है उसको कहते हैं छिन्नाभ्र। बादल छिन्न अलग अलग टुकड़ा टुकड़े हो गए तो नष्ट हो गया। अब कहीं कहीं नहीं रहा, न पानी रहा उसमें न वर्षा रही, तो क्या बना बोलो, छिन्नाभ्र बोलो। अभ्र माने बादल, छिन्न माने टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे छिन्नाभ्र नष्ट हो जाता है वैसे वो जो साधन भजन कर रहा था योगी, वो भोग बुद्धि से गिर गया तो क्या उसका भी नाश हो जाएगा, होना चाहिए, क्योंकि उसकी ब्रह्म में प्रतिष्ठा नहीं बैठती। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। विमूढ़ मने माया से मोहित हुआ था, ब्रह्म के रास्ते में नहीं चल पाया। आगे अर्जुन पूछते हैं, एतन में संशयम कृष्ण, ये मेरा संशय आप ही छेतुम अरहसी, काटने योग्य हैं क्योंकि आप भगवान हैं। त्वदन्य, तुम्हारे अलावा कोई भी आदमी इस संशय का छेदता नहीं है, काटने वाला नहीं है, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद कौन जानता है और कौन जान सकता है। तो ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है बोलो बोलो, डरती क्यों हो, तुम लोग बोलो भाई। शाबाश बोलो। इच्छा से नीचे गिर गया और इसका क्या
खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया बोल रहे हो तुम, जोर से बोलो। योग में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति काल में भोग की इच्छा से योग से भ्रष्ट हो गया। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, क्या वह बादल जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है टकरा करके, क्या वह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता? ये अर्जुन पूछते। बैठ जाओ, वाह, इसकी पीठ ठोक दो भाई। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, पार्थ माने अर्जुन, ना इह माने इस संसार में, ना अमूत्र माने परलोक में उसका विनाश होगा। क्योंकि कुछ दिन भजन किया था उसने, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ऐसा नहीं कि उसका भजन बेकार गया, इसलिए कोई आदमी गिर जाए तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कुछ दिन भजन किया है उसने तो वो भजन कभी नष्ट नहीं होगा, किसी न किसी जन्म में अवश्य फल देगा। क्या देगा? उसकी भोग की इच्छा थी इसलिए भोग के लिए गिरा, तो भगवान उसको पहले तो स्वर्ग भेज देते हैं। श्लोक संख्या 41, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान, पुण्यकृत लोक माने स्वर्ग, जा तू स्वर्ग चला जा, खूब भोग भोग ले, हो अप्सराएं हैं, यहां तो जो स्त्रियां हैं गंदी हैं, मलमूत्र की हैं, वहां उषित्वा रह करके शाश्वती समा, लाखों वर्ष तक वो भोग भोगता है। और शुचि नाम श्रीमताम गेहे, फिर उसका जन्म होता है। किसी पवित्र घर में, पवित्र घर माने पवित्र माँ बाप में, उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये दो तरह के योग भ्रष्ट होते हैं, एक तो 41 में, एक 42 में। एक तो वो है गए जो श्रीमताम पैसे वालों के घर में जो हुआ है, एक योगियों के ही घर में उसका जन्म होगा। ये पहले से ज्यादा दुर्लभ है, जन्म से उसको वहां भजन मिल जाएगा। अब इसको एक बार और लाओ बच्चे को भाई, ये 3.5 साल का बच्चा है, इतना छोटा बच्चा अभी तक नहीं आया गहवर्बन में। योग भ्रष्ट, बस बस शांत है। तुम लोग देखो योग भ्रष्ट क्या है। इस उम्र में न ज्ञान हो सकता है न वैराग्य हो सकता है। ऐसे घर में जन्म हुआ, इसकी मां
इसको यहां लाई है, ये है इसकी मां, तू खड़ी हो जा। ए बड़भागिनी जननी, एक पद गाते हैं जिसका बच्चा भजन करता है उसको बड़भागिनी जननी कहा गया है। ले जाओ, तो इसलिए जिस लड़के का अभिभावक वन माता पिता भजन करते हैं या नहीं करते हैं, उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। इसका प्रमाण है, ध्रुव जी जब जा रहे थे विमान पर चढ़ करके, तो सोचने लग गए कि माँ हमारी उसी ने तो जंगल में भेजा था, उसकी क्या गति है। चौथा स्कंद देखो, बारहवां अध्याय, तैतीसवां श्लोक, हर माँ बाप समझता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, गणित नहीं पढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इस बात को उसको ज्ञान नहीं है कि बच्चा तो पीछे भगवत धाम जाएगा, उससे पहले उसकी माँ चली जाएगी। पार्षदों ने दिखाया, भगवान के पार्षदों ने दर्शया मासतुर देवीम, मिला पुरो याने ने गच्छतिम, पुरो मने तुझसे पहले आगे जा रही है तेरी माँ। इस गुरुकुल में वो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है जिससे माँ बाप का अपने आप कल्याण हो जाएगा। ये श्लोक समझो, क्योंकि लोग बहकाएंगे तुमको आकर के। हर लड़की को समझना चाहिए, कि तुम वो पढ़ाई पढ़ रही हो जिसे तुम नहीं तुम्हारे पुरखे तर जाएंगे। इस संसार वाले जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये सिर्फ नरक जाने का रास्ता। ये हम कुछ कथा दूसरी कहने वाले थे, लेकिन इस लड़के को देख करके सब प्रसंग बदल दिया। 3.5 साल का बच्चा जंगल में कैसे आ गया? पांच साल के ध्रुव थे, चले गए जंगल में, क्यों? पूर्व जन्म में तपस्वी थे, एक राजा दर्शन करने आया तो उनकी इच्छा पैदा हो गई, अरे सैकड़ों हाथी आगे पीछे चल रहे हैं, जय हो महाराज की जय हो, बड़ा सुख है इनको, तो इच्छा पैदा हो गई। क्या इच्छा पैदा भाई, बोलो? राज में राजा बनने में बड़ा सुख है। क्या इच्छा पैदा हुई, बोलो? उस इच्छा के कारण इनको फिर से जन्म हुआ। इसलिए
इच्छा ही जन्म का कारण है। एक पद है सूरदास जी का, बड़ा सुंदर है। जौ लो मन कामना न छूटे, पद संख्या 296। सूर विनय पत्रिका पेज 224। जब तक कामना नहीं छूटती है तो सब बेकार है। कहा अजोग यज्ञ व्रत कीने, यज्ञ कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए का, 10,000 कुंडियां बनी हैं, उसमें आहुति पड़ेगी, ये सब बेकार है। बिन कन तुस को कूटे, कन माने नाच नहीं है, खाली भूसा को दान दान कर रहे हैं। सब यज्ञ बेकार है। कामनाएं हैं तो अवश्य तुमको जन्म लेना होगा। कहा स्नान किए तीर्थ के, बड़े तीर्थ में जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं। अंग भस्म जट जूटे, राख लगाते हैं, जटा जूट बढ़ा रहा, लेकिन बेकार है। कामनाएं हैं तो सब बेकार है, खाली भूसा कूट रहे हैं। देखो कामना वाला सब एक दिन नष्ट जरूर होता है, साधु हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जाने कितने संत यहां आए चले गए, जाने कितनी लड़कियां आई चली गई, कामना थी। किसी को भोग की कामना लग ले गई, किसी को सम्मान यश के लिए कामना, कथा कहना है, पैसा कमाना है। कामना एक दिन मनुष्य को अवश्य खा जाती है। ये पद सूरदास जी का करोड़ों रुपए का है। कहा पुराण जी पढ़े 18, कथा कहने वाले तुमको पता नहीं 50-50 लाख एक एक करोड़ रुपए ले रहे हैं, सब बेकार है। ऊर धूम के घूंटे, ऊर धूम तप सबसे कठिन होता है, ये शुक्राचार्य ने किया था। देवता लोग जीत जाते थे, अमृत पी करके देव दैत्यों को मार डालते थे, तो शुक्राचार्य जी ने तपस्या किया। 1,000 वर्ष तक धुआं, नीचे आग जल रही है और उल्टे टंगे हैं पेड़ पर से रस्सी बांध करके, और धुएं में उसको कहते हैं ऊर धूम तप। 1,000 वर्ष तक धुआं पी कर रहे, फिर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त किया, मरे को जिला दें। अब देवता क्या करेंगे, राजा बलि को मार डाला, उन्होंने उनको जिला दिया। देवताओं ने राजा बलि को मार डाला था, लेकिन गुरु जी ने जिला दिया। कामना नहीं छूटी तो सब तपस्या बेकार है।
भगवान नहीं मिल पाए। जैसे भगवान ब्रजवासियों के अधीन थे, ऐसे शुक्राचार्य के अधीन नहीं थे। शुक्राचार्य जी की तो आंख फूट दिया था। वो एक कीड़ा बन करके कमंडल में घुस गए थे राजा बलि के। तो भगवान ने आंख फोड़ दिया एक दिन का घुसा करके। जग शोक भा की सकल बढ़ाई, इनते कछु न खूट है। हम लोग कथा कहते हैं क्यों? अपने नाम के लिए। हमारा नाम हो जाए, इनते कछु न खूटे। कर्म बंधन जरा भी नहीं खुलता। खूटे मने खुलता है। एक एक शब्द समझो, नहीं समझोगे तो आज न कल विदा हो जाओगे। चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे साधु हो, कामना मनुष्य को ले जाती है। करनी और कछे कछ कहे कछ और। कथा वाला कहता तो कुछ है और कर्म करता है संग्रह का। मन दसहूं दिस टूटे, काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं। जो इन हिंसों छूटे, सूरदास तब ही तमनाशय, ज्ञान अग्नि झर फूटे। इनसे छूट जाओगे विकारों से तो ज्ञान अग्नि अपने आप, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ज्ञान अग्नि तुम्हारे भीतर से अपने आप निकलेगी। पढ़ने लिखने से तो 18 पुराण पढ़े कुछ नहीं हुआ, यज्ञ किए कुछ नहीं हुआ, स्नान किए तीर्थों में कुछ नहीं हुआ, कामना छोड़ दिया, वासना छोड़ दिया, ज्ञान अग्नि अपने आप आ गई। इसीलिए कामना नहीं छोड़ोगे। देखो कई लड़कियां बेचारी बड़ी अच्छी थी, उनमें तो कामना नहीं थी। गुरु जी ने सिखाया, चल बेटी कथा कह, आश्रम चले गए और चली गई वहां भागवत पढ़ रही है। लेकिन लक्ष्य क्या है? कामना लक्ष्य है। गुरु जी ने कामना सिखाया, इसीलिए 8वें स्कंद में कहा गया है, 24वें अध्याय में 8:24 भागवत 50 और 51, अंधे अंधे को ज्ञान दे रहा है। अंधा गुरु बन जाता है, अचक्षुर अंधस्य धाग्रणी कृत। अचक्षु मने आंख भी नहीं, चिन्ह भी नहीं है, और अंधे का गुरु बन जाता है। और ऐसा ज्ञान देता है 51, जनो जनस्यादिशते सतीम मतीम यया प्रपद्येत दुरत्यम तमा। घोर अंधकार को प्राप्त हो जाता है जहां से कभी निकल नहीं पाएगा। ये किसने किया? गुरु जी ने किया। जनो जनस्यादिशते असतीम मतीम, दुष्ट बुद्धि किसने सिखाई? गुरु जी ने।
और उससे दुरत्य अंधकार को प्राप्त हो गया। दुरत्य माने आप निकल नहीं पाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, यहां रहती थी और कथा कहती है, गौशाला भी बनाया उसने, गौशाला खर्च चलाना, गाड़ी का खर्च चलाना, आश्रम का खर्च चलाना, शरीर बिगड़ गया है। पहले तो यहां नाचती भी थी, अब चढ़ नहीं सकती सीढ़ियों पर। हमने कहा तुम यहां आ जाओ, क्योंकि हमने इसलिए नहीं कहा कि तू हमारे यहां आने से हमको किसी की जरूरत है, किसी लड़की की। यहां आने से शरीर सुधर जाएगा और नहीं तो दिन पर दिन मोटी होगी और थोड़े दिन बाद चलना फिरना भारी हो जाएगा। लेकिन दुरत्य तम में पहुंच गई है, बोले अब ये नहीं हो सकता महाराज। गया सो गया, गया ही गया, जो गया तो चला ही गया, लौटता नहीं है। ये सब देखो, एक और बात बता दें, हम बताना तो चाहते थे वही विषय, क्योंकि वो पुस्तक में दूसरे खंड में वो दूसरा खंड पूरा हुआ गया है, एक आखिरी अध्याय बाकी है, वो ये लिख देगी तो पूरा हो जाएगा, पुस्तक छप जाएगी। इसी से क्यों लिखाना चाहते हैं हम, उसका भी कारण बता दें। सैकड़ों लड़कियां आई, सैकड़ों लड़के आए, मुरली पर ही ऐसी दया क्यों भई भगवान की? मुरली तो पढ़ी भी नहीं, लिखी नहीं, इनसे ज्यादा पढ़े यहां लोग बैठे हैं, कोई एमए है, कोई डबल एमए है, कोई आचार्य हैं, कुछ हैं। इस पर यूं भाई कृपा, इसने पाप छोड़ दिया, तुम लोग सोचोगे हम तो पाप नहीं करती हैं, पाप है पुरुषों का संपर्क, भोग भोगना, कोई लड़कियां भोग नहीं भोगती है, पाप क्या है ये समझो। पाप है अहंता और ममता, मैं और मेरापन। ये भगवान से दूर कर देता है, दूर नहीं बहुत दूर कर देता है। देखो तीसरा स्कंद भागवत,